सिविल अस्पताल भवारना के साथ साथ सिविल अस्पताल थुरल में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जाएगा। ये जानकारी विधानसभा के अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मरंडा में वैक्सीनेशन का जायजा लेने के उपरांत दी। उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए पीपीई किट, सैनिटाइजर व ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी भेंट किए। उन्होंने कहा कि सिविल अस्पताल भवारना के लिए ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत कर दिया गया है और सिविल अस्पताल थुरल में भी ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए भारत सरकार को प्रस्तावना भेजी गई है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाकर हल्के को स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी में संक्रमितों के उपचार के लिए प्रदेश में 6000 से अधिक बिस्तरों की उपलब्धता बढ़ाई गई है और इसके लिए निजी अस्पतालों के अलावा मेकशिफ्ट अस्पताल भी बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार के अथक प्रयासों और प्रदेश की जनता द्वारा सरकार के दिशा निर्देशों के अनुपालना से वायरस के मामलों में कमी आई है। उन्होंने कहा कि संक्रमण कम हुआ है और थमा भी है, इसलिए सभी को सजग रहने की जरूरत है। परमार ने कहा कि मरंडा की धौलाधार कॉलोनी, मरंडा और इसके साथ लगते क्षेत्र में कूड़े निष्दान संयंत्र को भी लेकर जो समस्याएं आ रही हैं उनका स्थायी समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कूड़ा संयंत्र को बंद कर अन्य किसी स्थान पर कूड़े का निष्दान किया जाएगा। इसके लिए संबंधित विभाग को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में यहां कूड़े का एकत्रीकरण और निष्दान इत्यादि का कार्य नहीं होगा। सिविल अस्पताल है, वहाँ पर चाहे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हों, चाहे अन्य उपकरण इस कोरोना से निपटने के लिए, वो हमने उपलब्ध करवाए। मैं आज यहाँ पर एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दे रहा हूँ, यानी अगर हम सारा जैसी बीमारी से, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम से ग्रसित हो जाते हैं तो हमें तुरंत यहाँ पर उपचार की व्यवस्था की जाएगी। आगे इलाज चाहे वो पालमपुर है, टांडा है, बड़े अस्पतालों में है, तो एक मैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर साथ में सैनिटाइजर और पीपी किट्स दे रहा हूँ। आज इतना ही कहना चाहता हूँ, वैक्सीनेशन शुरू है। आने वाले दिनों में जो कई खबरें छप रही हैं 18 और 45 साल के मामले में, तो खैर खबरें छापने वालों को, लिखने वालों का अपना स्वभाव हो सकता है, पर हम नेक नियत से काम समाज के इस महामारी से निपटने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो आप सभी यहाँ पर आए, आप समाज के तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत आभार। हमारे नव निर्वाचित पार्षद जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो आप सभी यहाँ पर आए, मैं आपका आभार बहुत करना चाहता हूँ। ये पीएससी भी इसीलिए दी गई थी, हालांकि जब ये सेंक्शन हुई थी तो कहा गया था पालमपुर बहुत नज़दीक है, पर मुझे बीएमओ साहब कह रहे हैं कि जब से ये वैक्सीनेशन शुरू हुआ है तब से लेकर के आज तक जितने भी सेशन हुए हैं वो हर सेशन यहाँ पर हुआ है, यानी सब लोगों को इसकी सुविधा मिली है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जमीन का जहाँ पर भी फैसला होगा जल्दी से जल्दी भवन बना करके लोकार्पित इस इलाके को करेंगे। स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए। लगभग हमारा जो सिविल अस्पताल बभारना में है वहाँ पर भी हमने एक ऑक्सीजन प्लांट मैंने सैंक्शन करवाया। हमारी तमाम व्यवस्थाएं स्वयं की खड़ी हुई, और मैंने 100 बिस्तरों का अस्पताल जो थुरल में है उसके लिए भी मैंने प्रस्तावना भारत सरकार को भेजी है कि वहाँ पर भी एक ऑक्सीजन प्लांट लगना चाहिए। तो कुल मिलाकर के हम आत्मनिर्भर बने ये कोशिश हो रही है। आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए जो हम कर सकते हैं वो हम अवश्य करेंगे। इसी संदर्भ में मैंने लगभग तो एक मैंने शिलान्यास किया है पेयजल योजना का, और इस पेयजल योजना के ऊपर जो धौलाधार कॉलोनी है जहां फाउंडेशन हुआ था, हम 2,21,00,000 रुपए खर्च कर रहे हैं। इसमें ट्यूबवेल भी लगाए जाएंगे, इसमें ट्यूबवेल भी 3 ट्यूबवेल लगाए जाएंगे और 3 ही यहां पर ओवरहेड टैंक बनाए जाएंगे। तो कृपया करके
आप जरूर जमीन के लिए सहयोग करें, ट्यूबवेल लगाने के लिए सहयोग करें। हमने धोलाधार कॉलोनी में एक के नज़दीक ट्यूबवेल लगाया है, वो खलेट और मरंडा के बीच में विवाद होने के कारण वो चलने नहीं दे रहे हैं। तो उससे पहले भी हमने 3 हैंडपम्प्स यहाँ पर ट्यूबवेल ऑलरेडी लगाए हैं। तो यही मैं कहना चाहता हूँ।